भारत के विभिन्न स्थानों पर दंगे होते रहते हैं। इन दंगों में सार्वजनिक संपत्ति के साथ साथ निजी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचता है। इन दंगों के कारण आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पिछले दिनों जाट आरक्षण को लेकर हमारे जिले के गांव मैयड़ से भड़की हिंसा ने पूरे हरियाणा को अपनी चपेट में ले लिया। जाट आरक्षण की आग ने पूरे उकलाना क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। उपद्रवियों ने रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पोस्ट ऑफिस, टेलीफोन एक्सचेंज, कृषि विभाग के कार्यालय, तहसील कार्यालय, पुलिस स्टेशन आदि स्थानों में तोड़फोड़ कर उनको आग के हवाले कर दिया। सभी बैंकों के एटीएम तथा जनरेटर को भी तहस नहस कर आग लगा दी। मेरे भाई ने एक बच्चे का देहरादून फार्म रजिस्ट्री स्पीड पोस्ट भेजा था और वो मुझे संभावना है कि वो वहाँ चले गया, तो उसकी जिम्मेवारी 500 रुपये का फार्म था, समय पर वो पहुँच रहा था, तो उसकी जिम्मेवारी वो कौन देगा कहाँ। सुरक्षा हेतु पुलिस स्टेशन में खड़ी राज्य परिवहन की 4 बसों को आग के हवाले कर दिया। यहां तक कि दंगाई युवक पुलिस स्टेशन के मालखाने से हथियार लूट ले गए। तो मिस्टर बलराज सिंह, बताइए आपको ये जो कल रोड जाम हुए थे उनसे आपको क्या नुकसान उठाना पड़ा है? इसके कारण हमारे जो कारोबार है सारा ठप हो चुके हैं और यहाँ की एक्सचेंज के कारण तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि इसके कारण जो हमारा इंटरनेट का कारोबार है वो पूरी तरह ठप है। जो हमारे यहाँ पर जाट आरक्षण के लिए जो दंगे हुए हैं इनसे परीक्षा की जो तिथि स्थगित हुई है, हमने परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी की हुई थी, इनकी पेपरों की डेट स्थगित होने के कारण हमें बहुत ज़्यादा मानसिक पीड़ा हुई है। तो अब रोड जाम होने के कारण कैसे जाओगे घर पे? पैदल कितने किलोमीटर है यहाँ से? 9 किलोमीटर। इन दंगों के कारण मजदूरों को काम नहीं मिला, यात्री यहाँ वहाँ भटकते रहे, मरीज कहराते रहे। इन दंगों के कारण मैं भी डरता रहा कि कहीं गांव में दंगे न भड़क जाएं। दंगे किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये दंगे ना हो, क्योंकि कुछ शरारती तत्वों के कारण नुकसान हमारे लोगों को ही सहन करना पड़ सकता है। आज हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं और वहीं दूसरी ओर इस प्रकार के दंगों से हम खुद अपना ही नुकसान कर रहे हैं। यदि चाहे तो इस प्रकार के दंगों का शांतिपूर्वक हल निकाला जा सकता है। आइए हम सब प्रण ले व भारत की प्रगति में अपना योगदान दें। मैं सत्यवान वर्मा, इंडिया अनहर्ड के लिए, मुगलपुरा हरियाणा से।